अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, ये रोशनी के साथ क्यों Excuse me. Do you? I'm sorry. I know आप smoking नहीं करते. मेरा फोन देख के सरप्राइज तो हुए होगे, पहले कभी देखा है मुझे? सिर्फ 2-3 पिक्चर्स में. मैं 4-5 दिन से सोच रहा था कि ये सब कैसे. एक ट्रक के साथ हेडलॉक क्रैश था और हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ 7-8 मिनट बाद ही. तुम्हें कब पता चला? दो दो दिन बाद. कैसे? उसके ऑफिस में फोन किया था मैंने. क्यों? शायद गलत क्वेश्चन पूछ लिया. उस दिन हम मिलने वाले थे लेकिन वो नहीं आई. फिर उसके कलीग ने उसके एक्सीडेंट की न्यूज़ दी. कैसा लगा? अफसोस तो हुआ होगा, फ्री में दिल बहलाने वाली चीज हाथ से निकल गई. शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब बोलते हुए? जो चला गया उसके लिए तुम कैसे समझोगे कि वो मेरे लिए क्या थी? तो तुम मिलना चाहते थे मुझसे, क्यों? मुझे लगा कि इन सब चीज़ों के चलते शायद एक बार तुमसे मिलना चाहिए. 2-3 बार तुम्हें कॉल भी किया पर बात करने की हिम्मत नहीं हुई. मुझे लगा पता नहीं तुम इन सब चीज़ों को कैसे लोगे. तुम्हारा डर जस्टिफाइड था और फिर मेरा फ़ोन पा के तुम्हें रिलीफ मिला. क्यों? क्योंकि तुम ही तो हो. क्योंकि हम दोनों ही तो हैं जो एक दूसरे की पेन को समझ सकते हैं. हम दोनों? मेरी इस पेनफुल लाइफ के अंदर खुद को ना इंक्लूड करो तो अच्छा है. तुम सिर्फ एक प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे हो. तो इसमें गलती क्या है? किसी एक इंसान पर सारा दोष डाल देने से सिचुएशन सुलझी हुई जरूर लगती है, उससे बात की सच्चाई नहीं बदल जाती. और वैसे भी ये जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ मेरी खुशी नहीं थी. और तुम दोनों की खुशी से देखो मुझे क्या मिला. मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूं? मैं तुम्हें अब भी कह रहा हूं कि जो कुछ हुआ उसमें सिर्फ मेरा दोष नहीं है. अगर वो अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाती तो शायद ये सब कुछ. Thank you.
मुझे उसके पर्स में एक मखमली डिब्बी मिली थी जिसमें कुछ कार्ड्स थे और तुम्हारा इनिशियल। क्लोजेट में और आगे देखा तो मुझे एक डायरी मिली जिसमें एक बेनाम नंबर। चीज़ें नहीं मिली होती तो? उसका नेचर वैसे भी काफ़ी दिनों से बदल गया था। वो कई बार घर में अचानक ही हंस पड़ती थी, कई बार वो शांत हो जाया करती थी, और लगातार घर में उसकी शाम के वक्त एब्सेंस, ये सब कुछ काफ़ी था जान लेने के लिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। तुम्हें ये सब रियलाइजेशन कब हुआ? एक साल, पिछले एक साल से। लेकिन यहाँ सवाल मैं करने आया हूँ, तुम नहीं। पहली मुलाकात कैसे हुई तुम लोगों की? मेरे ऑफिस में रेनोवेशन का कुछ काम होना था जिसका कॉन्ट्रैक्ट हमने इंटीरियर डेकोरेशन फर्म को दिया था, इसका वो हिस्सा थी। पोस्टिंग और प्लानिंग को लेकर उसका आना जाना वहाँ लगा रहता था, फिर उसने टाइम से अपना काम ख़त्म कर दिया। फिर तुम उससे मिलने गए या वो तुमसे मिलने आई? उस टाइम तब तो हम दोनों के बीच में एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अलावा और कुछ नहीं था। हम तो एक दूसरे का सरनेम तक नहीं जानते और थे। फिर तुमने मेरा सरनेम ही खतरे में डाल दिया। फिर कहाँ मुलाकात हुई? हम पहली बार म्यूचुअल्स कैफे में मिले। हमने साथ में कॉफी पी। और इसके लिए किसने कहा? जाहिर सी बात है, मैंने। और उसने एक बार भी मना नहीं किया कि उसे लेट होगा या कोई उसका इंतजार कर रहा है? फिर नेक्स्ट वीक मैंने उससे मूवी के लिए पूछा, उसने कहा कि उसे खुशी होगी। पहली बार उसका हाथ वहीं पकड़ा था? और पहली बार कहां? प्लीज डोंट आस्क। व्हाई? ये सब जान के तुम्हें हासिल क्या होगा? मेरे घर में या मेरे रूम में? नो वे, वहां तो कभी भी नहीं। उस घर में घुसते ही ऐसा लगता था जैसे तुम्हारी प्रेजेंस है वहां पे। तुम्हारी बहुत केयर करती थी वो, तुम्हारी हर बात मुझसे शेयर करती थी। तुम्हें सुबह उठते ही तुम्हें अदरक वाली चाय चाहिए, चिल्ड पानी पीने से तुम्हारा गला ख़राब हो जाता है, सब्जी में तुम्हें प्याज पसंद नहीं है। तुम्हारी हर छोटी बड़ी डिटेल वो मुझसे शेयर किया करती थी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे शी इज़ डूइंग ऑल दिस टू मेक मी जेलस। इट्स क्वाइट आयरोनिकल कि वो तुम्हारे साथ थी और फिर भी तुम जेलस थे। आई डोंट रियली थिंक कि वो मेरे साथ थी, क्योंकि मैं उसके साथ वो सारे मोमेंट्स कभी भी रिलीव नहीं कर सकता था, सिर्फ तुमने उसके साथ स्पेंड किए। जब भी मेरे साथ होती थी तो मुझे सिर्फ एक ही बात बॉदर किया करती थी, शायद कल रात तुमने उसे टच किया हो और आज आज फिर से। वो जब मेरे साथ हुआ करती थी तो मुझे लगता था कि लाइफ का सारा सुकून यहीं तो है। But it all slowly started fading away. वो प्यार, वो emotions, it made us both suffer in our relationships. कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद वो अपनी मैरिड लाइफ की बोरियत को दूर करने के लिए मेरे पास आती है। I told you earlier, उसका नेचर काफी बदल गया था। क्या तुम वाकई में सीरियस थे उसके लिए? अगर सीरियस नहीं होते तो क्या बात शादी तक पहुंचती? तुम्हारी बात शादी तक पहुंच गई थी? कैसे ना पहुंचते शादी तक, मैं तंग आ गया था इसी लाइफ से। हम दोनों जब भी साथ में होते थे तो ऐसा लगता था जैसे तुम आस पास हो। मैं जानता था ये गलत है और इस गिल्ट को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि हम दोनों। उसने क्या कहा? वो हर वक्त सिर्फ यही बोलती थी कि उसे सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए, कभी भी किसी एक डिसीजन पे नहीं आ पाई। क्यों?
क्योंकि वो तुम्हें लेकर के अभी भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थी। वो अपनी पहली शादी को इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकती थी और वो तुम्हें और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहती थी। पर एट द एंड हुआ एग्जैक्टली उल्टा ही, उसने हम दोनों को हर्ट कर दिया। अभी ऑफिस से ऑफ लिया है तुमने? कब तक? आज लास्ट डे है, बट आई एम प्लानिंग कि कुछ दिन और छुट्टी लूँ। क्यों? आई मीन ऐसे फ्री बैठ के यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द पास्ट। आई मीन डोंट यू थिंक दिस फ्री टाइम विल नेवर हेल्प यू टू हील द पेन? हाउ इज योर स्लीप? कभी गहरी कभी हूँ। कौन कौन है तुम्हारे घर में? सभी लोग। कभी गई थी वो तुम्हारे वहाँ? क्योंकि मैं तो जब भी घर जाता हूँ तो उससे जुड़ी चीज़ें मुझे हमेशा उसकी याद दिलाती हैं। उससे जुड़ी मेमोरीज को मिटाना इज इम्पॉसिबल। थोड़े दिन शायद कहीं और जाने से? जा रहा हूँ आज नाइट में ही। कहाँ? जहाँ की बर्थ मिल जाए, और फिर कुछ दिन बाहर रहूँगा। सब कुछ सही रहा तो वापस आके अपना ट्रांसफर करा लूँगा। और तुमने क्या सोचा है? मैं शायद शादी करूँ। मैं कुछ दिन से सोच रहा था कि अगर शायद ये चीज़ें मुझे ना मिली होती, मुझे तुम्हारे बारे में मालूम ही नहीं होता। लेकिन अब तो उन पुरानी यादों के बारे में सोचकर भी शर्मिंदगी सी होती है, जब तुम हमारे बीच में कहीं नहीं थे। Thank you.